बेन स्टॉक्स ने भारत को चेताया, इंग्लिश टीम की नई मानसिकता के बारे में बता दिया। इंग्लैंड टेस्ट टीम के नए कप्तान बेन स्टॉक्स ने कहा कि भारत के खिलाफ बर्मिंघम में होने वाला टेस्ट पूरी तरह से अलग होने जा रहा है। इंग्लैंड टेस्ट टीम के नए दौर के ध्वजवाहक बेन स्टॉक्स ने खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट को अलग अंदाज से खेलने का प्रण लिया है। कप्तान बेन स्टॉक्स ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले बर्मिंघम टेस्ट में टॉप क्वालिटी भारतीय टीम के खिलाफ उसी मानसिकता को बनाए रखने की बात कही है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से बढ़त बनाए हुए है। इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले गए पिछले टेस्ट में विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने 157 रनों से जीत दर्ज की थी, लेकिन उस मैच के सिर्फ 5 प्लेयर ओली पोप, जो रूट, बेरिस्टो और जेम्स एंडरसन के सप्ताह के अंत होने वाले टेस्ट में इंग्लैंड की टीम में होने की संभावनाएं हैं। न्यूजीलैंड को तीसरे टेस्ट में हराकर सीरीज 3-1 से क्लीन स्वीप करने के बाद स्टॉक्स ने कहा कि विपक्ष कोई भी हो, हम अभी भी वही मानसिकता रखते हैं। वो कहते हैं, हम पिछले 3 मैचों में अच्छा प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए भारत के खिलाफ इसे जारी रखना चाहेंगे। अपनी पीढ़ी के सबसे आक्रामक खिलाड़ियों में से एक मैकुलम के नेतृत्व में इंग्लैंड की टीम ने एक नई जान फूंक दी है और खेल को लेकर सोच भी और फर्क भी। टीम की मानसिकता पर स्टॉक्स ने कहा, मुझे पता था कि हर कोई मुझे और ब्रेंडन की नई मानसिकता के बारे में जानना चाहेगा, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी तरह से हो जाएगा। यानी भारत को चुनौती दे रहे हैं बेन स्टॉक्स। देखना होगा भारतीय टीम कैसा खेल दिखाती है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।